हेलो जी, राधे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो मैं और प्रिंस जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं प्रिंस? नानके, मेरे नानके, मेरे नानके जा रहा है प्रिंस। मेरी नानी की तबीयत थोड़ा ख़राब थी तो मैंने सोचा जा जाती हूँ। और अभी है शाम का टाइम, तो शाम के बज चुके हैं 6। घर में पूरा काम ख़त्म कर लिया और अब मैं और प्रिंस चले ननिहाल। आना प्रिंस, देखिए मेरी पीठ के ऊपर चढ़ा है, अपने आप नहीं चलता है। सर का गई है पर अभी फिर से आना रास्ता, तब फिर से लेना पड़ना मेरे को, तो प्रिंस ज़्यादा टाइम लगाएगा, इसलिए मैंने इसको पीठ के ऊपर लिया है कि बस भी जा सकती है, हमारे से छूट सकती है बस भी। तब तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे जहाँ से बस लेते हैं, और अब बस पता नहीं कहाँ कब तक मिलेगी। और ये रह गया हमारे घर ऊपर, जो कहाँ पे कर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ऊपर, ये सामने ऊपर वाली पहाड़ी में। तो बस का वेट कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो हमारी बस निकल चुकी थी और फिर हमारे को हो गया था अंधेरा। उसके बाद मामा जी आए हमारे को लेने वहाँ पर, जहाँ पर मैं बस के लिए रुकी हुई थी। और उसके बाद चले गए हम ननिहाल, और मन नहीं करा वीडियो बनाने का, तो फिर रात को मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरी नानी जी की तबीयत थोड़ा ख़राब थी और वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करा। तो ये वीडियो सुबह की है। ये है मेरा ननिहाल, ये है गांव, और हम चले थे खेत के लिए। अभी है कोई 10 बजे का टाइम है, तो उसके बाद मेरे को भी मतलब जबकि शादी हुई है उसके बाद मैं अपने यहाँ पर खेतों में नहीं गई थी, तो 13-14 साल हो गए मेरी शादी को। 13-14 साल बाद आज जा रही हूँ खेत में अपने मामा जी औरों के। और देखिए यहाँ पर ये इन्होंने अदरक लगाया है, अरबी, हल्दी। तो आगे जैसे भी है अदरक, और खेत से घास से खेत बिल्कुल भरी है। तो मैं और प्रिंस भी चले हैं इनके साथ, और ये है इनके बैल। देखिए कितने प्यारे बैल है, पहाड़ी बैल है ये। और यहाँ से शुरू होते हैं इनके खेत और चले गए आगे तक, जहाँ पर हम जाएंगे तो वहाँ तक इनके ही खेत है, मेरे बड़े मामा जी के और आधे आगे छोटे मामा जी के, ये गांव वालों के है। यहाँ पर भी अदरक, अरबी और हल्दी लगाई हुई है। यहाँ से शुरू होते हैं मेरे छोटे मामा जी के फिर से, और फिर आगे जैसे ये भी छोटे मामा जी का ही खेत है, इससे नीचे वाला भी। ये देखिए इन्होंने यहाँ पर खेत भी खाली कर दिया है और मक्की भी पूरी निकाल दी है। तो ये छोटे मामा जी का खेत है, नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी, जहाँ से बैल जा रहे हैं इनके बड़े मामा जी के खेत के लिए। तो इतने बड़े बड़े खेत होते हैं मेरे ननिहाल में भी, और मायके में तो इससे भी बड़े बड़े हैं। और यहाँ पर लगी है ककड़ियाँ बहुत सारी, ये देखिए। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाई, जब मैंने अपनी नानी जी की हालत देखी तो मेरा बिल्कुल भी वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था, और कल मैंने इसलिए ही वीडियो नहीं डाली क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं था। तो अब यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं खेत में, और ये है मेरे भाभी जी। तो ये यहाँ पे हरी हरी टांडी बोलते हैं हम इसको अपनी भाषा में, तो मक्की इन्होंने निकाल दी है और पशुओं के लिए टांडी निकाल रहे हैं। और यहाँ पर भाई और मामा जी ने खेत जोत दिए यहाँ पे। तो देखिए कितने प्यारे बैल है, छोटे छोटे, प्योर पहाड़ी में ये।
तो इनका ऐसा फ़ायदा रहता है कि हम जहाँ पे इनको ले जाना चाहे वहाँ पे ले जा सकते हैं, गिरने का डर भी नहीं रहता। और ये चर भी जाते हैं सारे, और छोटे छोटे भी होते, घास भी कम खाते हैं। और बैलों का ऐसा फ़ायदा होता है, जब मन करा तब खोले और लग गए खेत जोतने। जैसे इन्होंने मक्की की फसल ले ली और अब ये बेचेंगे यहाँ पर गेहूँ, जौ और क्या बोलते हैं उसको, सरसों, तारा मीरा, ऐसी ऐसी चीज़ें बेचते हैं। तो ये तो यहाँ पर इनके आधे खेत हैं। और प्रिंस यहाँ पे वीडियो बना रहा था, तो प्रिंस ने बनाई है ये थोड़ी थोड़ी। तो यहाँ पे इसकी बीच से घास खाली करने को था, और वो थोड़ी थोड़ी यहाँ पे सुअर ने इनके खेत में मक्की खा दी थी, तो कुछ ये रह गए थे मक्की के जो मामा जी निकाल रहे हैं। तो ये मामा जी ने मक्की भर दी इसमें टोकरी में, बांस की टोकरी होती है ये। और मामा जी जा रहे हैं घर के लिए, मैं, प्रिंस और भाभी जी और मेरा ये भाई, मेरे से छोटा है ये। तो हम यहाँ पे थे थोड़ी देर, इसने खेत में ये हल जोता, और उसके बाद देखिए बैल कैसे दौड़े लोग रंग, और कितने पैर बैल है छोटे छोटे। तो यहाँ पर ऐसे तो इनके ट्रैक्टर भी चल सकता है, पर जैसे हमारे बुजुर्ग है पीछे वाले, तो बैलों से हल सूप मानते हैं, बोलते हैं कि बैलों का ये मतलब बैलों का पांव लगना चाहिए खेत में, तब धरती हंसती है, धरती माता, और फसल भी अच्छी होती है। तो इनके घास इतना ज़्यादा होता है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। देखिए कितनी हरी भरा है चारों तरफ। आजकल तो बरसात है, पर इनके ऐसे 12 महीने ये ऐसे ब्यूल वगैरह के पेड़ भी बहुत ज़्यादा है, और घास इनकी ज़मीन भी बहुत ज़्यादा है, मेरे मामा जी के भी और मेरे मायके में भी। तो यहाँ पर हमारे को अगर ससुराल में पशु पालने हो तो खरीद के करनी पड़ती है घास वगैरह, खेत भी एक दो दो है। तो इतने फायदे होते हैं ज़मीन के, अगर अपने पास ज़मीन हो तो हम पशु भी पाल सकते हैं, और जो मर्जी काम करना चाहे वो कर सकते हैं अपनी ज़मीन में, चाहे जो मर्जी बीजना चाहे वो बीज सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ गए थे मामी जी, ये मेरे बड़े मामी जी है। और अब जो ये इनके ऐसे नीचे वाला साइड मक्की का, तो इसको इसकी मिट्टी झाड़ करके इसको साइड में जला लेंगे, और उसके बाद एक बार पहले इस खेत को ऐसे ही जोत लेंगे, और उसके बाद फिर से दूसरी बार इसमें जौ या गेहूं बीजेंगे। देखिए कितना बड़ा खेत है, और इनके बहुत ज़्यादा खेत है। तो पहले ये काम फसल का निपटा लेंगे खेतों का, और बाद में काटेंगे घास। तो यहाँ पे प्रिंस इनके साथ मदद करा रहा है, और यहाँ पर है ये कद्दू लगा हुआ था यहाँ पे, और मैं हरी ककड़ी अभी दिखाती हूँ आपको। खाने वाला बनते, ये देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी है हरी ककड़ी, बहुत ही टेस्टी होती है ये हरे वाली, और दूसरे वाली भी अच्छी होती है, लाल वाली भी, यहाँ पे भी हरी है ये। तो कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। और देखिए प्रिंस के कपड़ों के हाल क्या कर दिए, सारे कपड़े खींचता।
तो मैं और प्रिंस चल पड़े घर के लिए, और मामी जी अभी खेत में ही है, और जो अभी खेत को जोत रहे हैं मामी जी, और जो मेरा भाई है तो वो काम कर रहे हैं खेत में, और हम जा रहे हैं घर के लिए, मैं और प्रिंस। ये प्रिंस आदि, क्योंकि मैंने अब घर को भी जाना, तो उठने को मैं नहा लेती हूँ और प्रिंस को भी नहा लूँगी, तब घर की तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो हम आ गए घर के लिए, और देखिए यहाँ पे लोगों ने जॉबीज दिए हैं। तो ये भाभी जी भी आ गए थे हमारे साथ पीछे से, और ये लोगों के खेत हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे भी अदरक लगाया हुआ है, और क्या करना? हम पहुँच चुके हैं घर में। चलो, तो रास्ते से जा रहे थे और मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली। ये मेरे मामा जी और उनकी दूसरी मंजिल आई कि यहाँ पर बड़े मामा जी और उनकी, और यहाँ पे इनकी काउसेट है पार जैसे, काउसेट तो दूसरी है, पर यहाँ पे इन्होंने गाय बांध रखी है, और ऊपर जैसे ये ढल गई है साइड में इनकी काउसेट। तो रुड़ना, तो हम पहुँच गए घर में, और यहाँ पर इन्होंने अभी आधी ही मक्की छीली है इनके, मतलब दो गांव में ज़मीन है। तो पहले यहाँ की ये खेत भी जोत लेंगे और मक्की भी निकाल लेंगे, तब जाएंगे दूसरे गांव के लिए। तो ये यहाँ पे इन्होंने अभी आधी ही मक्की छीली है, और आधी मक्की का जिसको हम अपनी भाषा में झूम बोलते हैं, कि ये खेत जोत लेंगे पहले, उसके बाद छील लेंगे मक्की। तो हम पहुँच गए ननिहाल में, और अंदर आए हैं मेरे मम्मी जी, तो उनसे मिलवाती हूँ मैं। ये बैठे थे यहाँ पर, कर जाए नानी जी के, और प्रिंस से बात कर रहे थे, कर जाए, और नानी जी ये अभी सोए हुए हैं, गले भी लग लो। तो इनकी तबीयत आजकल खराब जैसी है, और ये मेरे मामा जी है, तो आगे मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करा। ये मेरे नानी जी है, तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय माता दी। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा, और अपना ध्यान रखिएगा। तो अब मिलते हैं आपके साथ ब्लॉगर लता के नाम से, जो मेरा दूसरा चैनल है, उसमें आगे की वीडियो डालूंगी। तो हम चल पड़े थे घर के लिए, और आगे मैंने थोड़ी थोड़ी सी क्लिप ये फोटो की डाली है। तो एक बार फिर से राम राम, जय माता दी।